हाँ भैया, क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा काम था इसलिए कट करना पड़ा। मैं बोल रहा था भैया, मैंने ना यार गलती से यार तुम्हारे नंबर पे ना यार मैसेज कर दिया यार, 6 अंकों का मेरा पासवर्ड का नंबर था यार और तुम्हें सेंड हो गया यार। प्लीज मुझे देख के बता दोगे भैया 6 अंक का यार। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग अपने मोबाइल में गूगल पे, पेटीएम, ये सब पैसे ट्रांसफ़र करने वाले जितने भी ऐप होते हैं हम सभी लोग यूज़ करते हैं, और हमारे बैंक अकाउंट से हमारे मोबाइल नंबर भी जुड़े होते हैं और आधार कार्ड से भी जुड़े होते हैं। वैसे में दोस्तों, हम सभी को डर लगता है कि कहीं हमारे एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा बैंक अकाउंट या किसी और अकाउंट खाली ना हो जाए। जैसे कि दोस्तों, हम आप सभी लोग अभी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, जिनका शिकार शरीफ लोग हो रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है, उनके पास कॉल आता है और कोई भी पिन मांगता है, उससे उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे ही हमारे भी पास एक कॉल आया था हैकर का। मैं उनसे कैसे मैं बात किया, कैसे उसको क्या जवाब दिया, मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप सभी को सुनाऊंगा इस वीडियो में। और दोस्तों, इस कॉल रिकॉर्डिंग से सुन के आप सभी लोग भी अवेयर हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि कैसे हम पहचाने उसको। तो मैं चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और आप सभी लोग प्लीज लास्ट तक इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो। हाँ भैया, क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा काम था इसलिए कट करना पड़ा। मैं बोल रहा था भैया, मैंने ना यार गलती से यार तुम्हारे नंबर पे ना यार मैसेज कर दिया यार, 6 अंकों का मेरा पासवर्ड का नंबर था यार और तुम्हें सेंड हो गया यार। प्लीज मुझे देख के बता दोगे भैया 6 अंक का यार। और क्या चीज का पासवर्ड था भैया? भैया वो मतलब मेरा पैन कार्ड का खो गया था ना, तो मैंने मतलब उसका कंप्लेन रजिस्टर करवाया था। तो यार मतलब यार गलती से ना मैंने उनको भेजना था तो आपको सेंड हो गया, तो मेरे मोबाइल में साला डिलीट बज गया ना पहले से, तो मैंने यार गलती से तुम्हें सेंड कर दिया। मैंने सोचा चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, चलो आप बता दोगे यार, बहुत धन्यवाद होगा। अच्छा भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंदौर से। इंदौर? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम भैया विकास है। अच्छा, गलती से। तो आपसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं भैया? हैं? आपसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं? वो क्यों भैया? बस ऐसे, मतलब मैं पहचाना नहीं मतलब। हाँ तो मैं भी नहीं पहचान रहा हूँ आपको। वीडियो कॉल में मतलब बात किस वजह से करेंगे आप ये तो बता सकते हैं? तो वीडियो कॉल में बात करेंगे तो अच्छे से पहचान हो जाएगा ना कि आप तो कौन भैया है? मेरी आप पहले मेरी बात का ये अंदाजा लगाइए, जैसे तो मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है? हाँ, ये बात क्लियर है। हाँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ। अब देखो, मैंने पहले आपको क्या बोला कि भैया गलती से आपके मोबाइल में चला, क्लियर? हाँ, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भैया का गलती से आ गया है, उनका भी आ गया है, तो हमें वापिस कर दें। तो वीडियो कॉल का कोई मतलब ही नहीं है भैया। तो भैया, जैसे कि हमको पता चल जाएगा ना कि जो फर्जी कॉल करता है उसका तो चेहरा सामने में आ जाएगा ना, इसलिए बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल में। यार आप मेरे को गलत समझ रहे हो भैया यार। गलत हम नहीं समझ रहे भैया, ये जो चुतियागिरी आप लोग करते हैं ना, ये पहले से पता है हमको। आप हो रहे हो ना फ्रॉड। हाँ। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ यार। देखो, जब बंदा के साथ गुजर चुकी है तो बंदा आपसे क्या फ्रॉड करेगा ये बताओ। मेरे साथ खुद सारा फ्रॉड हुआ है। आप लोग का तो यही सब काम ही रहता है भैया, लोगों को बेवकूफ बनाना और उसको फंसाना। अगर मैं आपको जो अभी मैसेज मेरे मोबाइल में आया, अगर मैं आपको दे देता तो मेरा मोबाइल तो खाली हो जाता पूरा। अरे यार बहुत पढ़े लिखे लगते हो। मैंने खुद अपनी बात शेयर की कि बंदा समझ जाए, ठीक है? ओ भाई, तो वीडियो अपने अपने देखो, मैंने आपको क्यों बताना था कि मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है ये बताओ पहले, इसका जवाब चाहिए मुझे भाई। यही सब तो आप लोग बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, वो हमको पहले से पता है कि आप लोग क्या करते हैं, ठीक है? तो ये सब काम छोड़ दीजिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। सुन रहे हैं क्या? मेरी बात सुन रहे हैं आप? अरे यार दूसरा कॉल। हेलो,
यही बोल रहे कि जो आप लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये सब फर्जी कॉल करके करते हैं ना, तो ये सब मत कीजिए। तो बोल रहे हैं तो भाई ये सब का ना मैं मास्टर हूँ, ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, यही सब के बारे में मैं वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो जो आप लोग ये सब करते हैं ना वो छोड़ दीजिए करना। क्या कौन सी वीडियो बनाते हो ये तो बताओ। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उससे आपको क्या मतलब है? कौन सी वीडियो बनाते हो कि लोगों के व्हाट्सएप कैसे बनाए जाते हैं, ये वीडियो बनाते हो? हाँ यही सब हैकर सुकर से रिलेटेड जो जो आप लोग करते हैं ना भैया, वो हमको अच्छे से मालूम है, ठीक है। रखो यार मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिमाग खराब भाई, जो आप लोग ये सब करते हैं ना वो बहुत गलत है, ठीक है, ये सब करना छोड़ दीजिए। मेहनत करके कमाइए। क्या हुआ यार कुछ तो बोल। चल ठीक है भाई, गुड बाय यार। क्या भाई यार, आप लोग तो ऐसे इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका मेहनत का पैसा रहता है, आप लोग ठग लेते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप सभी लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी पता चले। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आप सभी लोग टेक में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी से आप सभी को इंटरेस्ट है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम अपने मोबाइल में एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो कि दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर लर्निंग के ऊपर होगा। तो मैं आप सभी को बताऊँगा पार्ट बाई पार्ट पार्ट कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे चलाना सीखें। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जब भी मैं आप वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड।